आनंद तीर्थ ने अपनी स्वयं की चालाकी और धोखे से ऐसी व्यवस्था बनाई कि वो हमेशा गौतम की भौतिक उपस्थिति में मौजूद रहे। गौतम ने उसे चेतावनी दी, जीवन को ऐसे नियंत्रित करना ठीक नहीं है, तुम मुझे नियंत्रित कर रहे हो, जैसे एक पत्नी अपने पति को नियंत्रित करती है। क्योंकि आनंद तीर्थ गौतम के बड़े भाई थे, तो भिक्षु बनने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी गौतम के सामने। उन्होंने कहा, अभी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हें जो चाहूं वो करने का आदेश दे सकता हूं, लेकिन जब मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा तब मेरे पास ऐसी ताकत नहीं होगी, तो मुझे इस अधिकार का इस्तेमाल करने दो। और अब मैं तुमसे कह रहा हूं, जब मैं तुम्हारा भिक्षु और शिष्य बन जाऊंगा तो तुम मुझे कभी भी अपनी प्रत्यक्ष मौजूदगी से दूर नहीं भेजोगे, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम कभी ये नहीं कहोगे कि वहां जाओ, वो करो, ये करो, तुम हमेशा मुझे अपने पास ही रखोगे। गौतम ने कहा, तुम मुझे पत्नी की तरह नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो, तुम कभी किसी से प्रेम नहीं करोगे, तुम्हें कभी ऐसा नहीं करना है, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, यह तुम्हारे कल्याण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक बड़े भाई के रूप में तुम मुझसे मांग रहे हो और अगर तुम जोर देते हो तो मैं इसका पालन करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आनंद ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी प्रत्यक्ष मौजूदगी में ही रहूंगा। उसने इसे हास्यास्पद स्तर तक खींच दिया। गौतम की प्रत्यक्ष मौजूदगी में रहने की इस चाह को वो हास्यास्पद स्तर तक लेकर चला गया। एक मौका ऐसा आया जहां 8 साल के बाद गौतम अपनी पत्नी यशोधरा से वापस मिलने गए, जो पहले उनकी पत्नी थी। यशोधरा बहुत ही स्वाभिमानी महिला थी। गौतम जो उस समय उनके पति थे और यशोधरा के पास एक बच्चा भी था, गौतम उसे बताए बिना आधी रात को चोर की तरह घर से निकल गए। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास उसका सामना करने का साहस नहीं था। अगर वो उसकी आंखों में देखते तो सत्य की खोज में जाने का उनका संकल्प डगमगा सकता था। अगर वो अपने बच्चे की ओर देखते जब बच्चा जाग रहा होता और उन्हें पिता कहकर बुलाता तो उनकी जानने की लालसा डगमगा सकती थी। तो वो रात में ही चले गए। अब वो 8 साल बाद वापस जा रहे हैं एक पूर्ण प्रबुद्ध जीव के रूप में, लेकिन वो इतने संवेदनशील हैं कि वो यशोधरा की भावनाओं को समझ सकें कि उसे कैसा महसूस हुआ होगा और उसके जीवन के साथ जो हुआ उसके लिए वो कैसे नाराज होगी। गौतम के जीवन में जो हुआ वो शानदार है, यशोधरा के साथ जो हुआ वो अच्छी चीज नहीं है, वो ये जानते हैं। तो वो ये देखने के लिए वहां जा रहे हैं कि वो उसे अब क्या दे सकते हैं ताकि इन 8 वर्षों में उसने जो खोया है उसकी भरपाई हो सके। तो ये एक संवेदनशील स्थिति है, इसीलिए उन्होंने आनंद से कहा, इस बार मुझे उस वादे से मुक्त कर दो जो मैंने तुमसे किया था, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए वो अब मेरी पत्नी नहीं है, मैं उन चीजों से ऊपर उठ चुका हूं, लेकिन उसके लिए मैं अभी भी उसका पति हूं जिसने उसे छोड़ दिया था बिना बताए, बिना कोई चेतावनी दिए। तो ये उसके लिए एक संवेदनशील भावना है, वो एक स्वाभिमानी महिला है, तुम्हारा वहां होना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आनंद ने कहा, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। गौतम ने सिर झुकाया और कहा, ठीक है, और वो उसे साथ लेकर गए। उस स्थिति में भी जब यशोधरा ने देखा कि वो एक सहायक भिक्षु के साथ उसका सामना करने के लिए आए हैं तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई।
गौतम ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा इस बार मुझे उस वादे से मुक्त कर दो जो मैंने किया था। ये कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है कि तुम किसी चीज से चूक जाओगे, ये मेरी पत्नी के बारे में है। लेकिन उसने कहा नहीं। फिर गौतम के जीवन के आखिरी दौर में गौतम के कार्य ने कई प्रबुद्ध प्राणी पैदा किए, लेकिन आनंद अभी भी वही आदमी था। उसने हमारे लिए जो एक सेवा की वो ये कि उसने वहां घटित होने वाली हर चीज, हर घटना को अपनी समझ के अनुसार दर्ज किया, लेकिन उसने हर चीज को बहुत लगन से दर्ज किया। तो लोगों ने पूछा वो अभी भी इस तरह का क्यों है। कई लोग आपसे बस एक पल के लिए मिलने आए और उन्हें आत्मज्ञान हो गया, उन्होंने खुद को कई तरह से रूपांतरित कर लिया है, लेकिन वो हमेशा आपके बगल में बैठा रहता है, फिर वो ऐसा क्यों है। गौतम ने इतना ही कहा, चम्मच सूप का स्वाद नहीं ले सकता। What you refer to as the guru is just a certain energy, certain possibility. It's not the person. जिसे आप गुरु कहते हैं वो बस एक खास ऊर्जा है, एक खास संभावना है, वो व्यक्ति नहीं है। तो क्या भौतिक उपस्थिति महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भौतिक का मतलब सिर्फ भौतिक शरीर नहीं है। कृपा कोई अमूर्त चीज नहीं है, हम इसे बिल्कुल भौतिक बना सकते हैं। यह हवा की तरह भौतिक है जिसे आप महसूस करते हैं, यह सूरज की रोशनी की तरह भौतिक है। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति ग्रहणशील बनना शुरू होता है तब गुरु की भौतिक उपस्थिति में होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके बोध का आपका तरीका सिर्फ देखना और सुनना और पांच इंद्रियों से है। इसी वजह से आप उन्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं, उन्हें अपने कानों से सुनना चाहते हैं, इस तरीके से आप जानते हैं कि वो वहां है। हां, शुरुआत में इसकी जरूरत होती है, लेकिन आपको हमेशा वहां रहने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष मौजूद होंगे अलग अलग तरीकों से। ये प्रकाश है जो मायने रखता है, आपको बल्ब को गले लगाने की जरूरत नहीं है। आप जाकर सूरज को गले नहीं लगाते हैं ना, आप सूरज की रोशनी का आनंद लेते हैं। आप सूरज की तरफ देखते भी नहीं फिर भी आप उसकी रोशनी का आनंद लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अभी ऐसा है, एक खास व्यक्ति उस ऊर्जा और उस स्थान का प्रतिनिधि बन गया है। गुरु की प्रकृति समय और स्थान तक सीमित नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लाइट बल्ब के बगल में बैठते हैं तो आपको अधिकतम रोशनी मिलेगी। आप 1000 मील दूर हो सकते हैं और उस व्यक्ति की तुलना में अधिक कृपा प्राप्त कर सकते हैं जो अभी गुरु के बगल में बैठा है। The guru is on all the time, speech or no speech. गुरु हर समय मौजूद हैं, बोल रहे हों या ना बोल रहे हों, लेकिन आप उन पर सिर्फ तभी ध्यान देते हैं जब वो आदमी बोल रहा होता है। अगर आप उन पर हर समय ध्यान देना सीख लें तो आप देखेंगे कि वो साक्षात आपके साथ हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष, सूरज की रोशनी जैसे प्रत्यक्ष, हवा की तरह प्रत्यक्ष जिसे आप महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि उतना प्रत्यक्ष होना काफी है, उससे ज्यादा वो एक फंदा बन सकता है।